देखिए वली अल्लाह होते ही करामतों के लिए, उसमें अपन मतलब किसी को ज़ाहिरी तौर पे मिल जाता है, किसी को बातिनी तौर पे मिल जाता है, लेकिन हज़रत की करामत तो मेरी आंखों से देखी हुई कि हज़रत अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम शेख, आप सभी का इस्तकबाल है शाने वाली करामत औलिया में। तो आज जो है मैं आज भी हम नागपुर में, और आप हमारे पीछे जो बारगाह देख सकते हैं नागपुर की एक बारगाह है। तो भैया ने कौन सा एरिया बताया आपने नागपुर का? कंटोनमेंट एरिया है ये जी। मतलब ये मिल्टी का एरिया आता है पूरा जी जी। तो वहाँ पे ये बारगाह है, और ये साईं बाबा मंदिर के पीछे, ये साईं मतलब आगे साईं मंदिर है, पीछे पे दरगाह है वो। किसी से भी अगर आप बोलेंगे कामठी या कमनान में कि भाई साईं मंदिर जाना है, तो आप आराम से आ सकते हैं वहाँ पे। साईं मंदिर पहुँचते ही वहाँ पे आपको पीछे दरगाह दिख जाएगा जी, आप बिल्कुल आराम से आ सकते हैं। आस्थाने का नाम है सैयद पीर शाहजी रहमतुल्लाह अलैह है ठीक। तो नाज़िन जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे आस्थाना मुबारक है। तो यहाँ के दरगाह शरीफ के खादिम साहब से या ट्रस्टी से हम बाकी की कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं और आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो आप देख रहे हैं पीर सैयद शाहजी बाबा का आस्थाना है, ये कामठी और कनान के बीच में कंटोनमेंट इलाके में आता है, जो कि काफ़ी कामठी और कनान में काफ़ी फेमस है। आप किसी से भी अगर पूछेंगे कि आड़ापुल दरगाह, तो आड़ापुल के नाम से जाना जाता है ये आस्थाना। ये नागपुर स्टेशन से कितना दूर होगा? ये नागपुर स्टेशन से कम लगभग 15 से 16 किलोमीटर जबलपुर रोड पे पड़ता है, कामठी के बाद में 4 किलोमीटर के बाद में। तो मतलब अब वहाँ से आप कामठी को, कामठी से फिर आड़ापुल दरगाह आराम से आ सकते हैं आप। जिस किसी हजरत का उस अंग्रेजी तारीख के हिसाब से 9 को परचम कुशाई होती है अप्रैल में, 10 तारीख को संदल रहता है, और 11 तारीख को सुबह कुल की फातिहा होती है। अंग्रेजी तारीख है जी जी, अंग्रेजी तारीख। अभी जैसे कि अभी कुछ दिनों बाद में अक्टूबर में 6 मई उर्स आने वाला है, 9 अक्टूबर को परचम कुशाई रहेंगी असर के बाद में, 10 को क्या नाम उसका संदल गुलपोशी चादर वादर, और उसके बाद में फिर 11 तारीख को सुबह कुल की फातिहा रहेगी। कुछ करामत बता सकते? देखिए वली अल्लाह होते ही करामतों के लिए, उसमें अपन मतलब किसी को ज़ाहिरी तौर पे मिल जाता है, किसी को बातिनी तौर पे मिल जाता है, लेकिन हज़रत की करामत तो मेरी आंखों से देखी हुई कि हज़रत जिनको बच्चे नहीं हैं उनके लिए उनकी दुआएं कभी खाली नहीं जाती। यहाँ पे मैंने बहुत से लोगों की झोलियाँ भरते हुए देखा हूँ, बच्चे के लिए बहुत मैं मतलब मुनासिब जगह की लोग आए यहाँ पे अर्जी लगाए, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक वलियों के सदके में आपकी गोद भर देगा।
बन के जाना, मैं बिखर गया होता, मैं खाक बन के जाना, मैं बिखर गया होता, मैं खाक बन के जाना, मैं बिखर गया होता, मैं आग बन के जाना, मैं बिखर गया होता, मैं खाक बन के जाना, मैं बिखर गया होता, मैं खाक बन के जाना, मैं बिखर गया तो नाज़िन इतनी दरगाह ज़ियारत की पूरी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और मुख्तार भाई के साथ ही आज भी हम नागपुर में, मुख्तार भाई काफ़ी सारी बारगाह की हमको ज़ियारत करा चुके हैं, तो मुख्तार भाई का जो नंबर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिया है। तो अगर आप भी नागपुर आते हैं तो काफ़ी सारी नागपुर की बारगाह को जो आपको मुख्तार भाई लेके जा सकते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।